खामखा हमारे मैनेजर के सामने हमारी इंसल्ट करवा दी। आपको अपनी इज्जत की परवाह कब से होने लगी प्रताप? अच्छा बताओ क्या बात? आपके साइन चाहिए। घबराइए मत, ये डाइवोर्स के पेपर्स नहीं है और ना ही हम जिंदगी में आपको कभी डाइवोर्स देने वाले हैं। बस इन पर साइन करने के बाद आपका जो कुछ भी है वो सब हमारा हो जाएगा। साइन कीजिए। अगर हमने इन पेपर्स पे साइन कर दिए तो ये सारा बिजनेस जिसमें हमने अपनी जान फूंकी है वो धोखा हो जाएगा। फिर हो सकता है कि वो हम सबको धमकाने भी लगे। नहीं मधु, हम इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकते। साइन तो आपको करने पड़ेंगे प्रताप। नो वे। प्रताप, अगर आपने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो हम अंकुर को कहकर आपको जेल भिजवा देंगे और खुद आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे। साइन कीजिए मधु। ये सब क्या? हमने कहा साइन कीजिए प्रताप। जाइए इस कमरे में, अब आपके लिए कोई जगह नहीं। What the hell is this, मधु? अपना सामान पैक कर लीजिए। मधु, मधु, लिसन टू मी। गौ माता, मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का दर्पण होते हैं। ये बात इस मनुष्य ने भी अनुभव की है। देखिए वो किस प्रकार अपने ही घर में विवश हो गया है। अगर एम्बुलेंस बुलाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत खून भी बह रहा है। क्यों ना हम ऐसे अपनी गाड़ी में ले चले। जो भी कर रहे हैं जल्दी करो। संतोषी बेटा अपनी आंखें खोलो। हाँ हाँ चलो चलो, इसे उठा के बाहर तक तो लेके चलो। अरे तुम संतोषी को बाहर लेके चलो, छोड़ो उसे अभी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, समझे? संतोषी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? तो चाबी तुम्हारे पास लाओ। दो, संतोषी को हॉस्पिटल लेके जाना है। दो चाबी। पापा चाबी चाहिए आपको? पहले बोलना चाहिए था ना। लीजिए। यू इडियट। अंकुर ये मजाक का वक्त नहीं है, चाबी दे दो। अंकुर तुम देख रहे हो ना संतोषी की हालत कितनी खराब है, देख रहे हो ना? लाओ चाबी दो जल्दी, अस्पताल ले जाना है, उसको कुछ हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये जो गाड़ी है किसी एरो-गैरो के लिए? अच्छा आप लोगों को तो हॉस्पिटल जाना है ना। हाँ जाइए जाइए जाइए, लेकिन ऑटो में। आज तो ऑटो स्ट्राइक है, आप लोग जाओगे कैसे? एक काम करिए, पैदल चलिए।
डॉक्टर साहब, संतोषी ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया। हेड इंजरी में डिले नहीं होनी चाहिए, पर आप टेंशन की कोई बात नहीं, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। संतोषी माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। रुक जाओ धैर्य। ये मत भूलो कि ये हमारा बेटा है। माँ भी शायद आप जानती नहीं कि संतोषी की जो हालत हुई ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। तुमने अपनी आंखों से देखा है जो इस पर इल्जाम लगा रहे हो। माँ भी, माँ भी आप अरे रिलैक्स, अरे रिलैक्स, ये समय बहस करने का नहीं है। तुम जाओ संतोषी को देखो। दादी जी प्लीज, बहुत मजा आएगा हमें, सच में। आप मारिए। अंकुर जी, हमें आपसे कोई बहस नहीं करना, हमें जाने दीजिए। अरे चाची जी मारिए ना प्लीज। नहीं मारना आपको क्या चाची? मैं भी तो देखूं आपके हाथ के थप्पड़ का स्वाद कैसा आता है। क्या आप बदतमीजी कर रहे हैं अंकुर जी? हाँ चाची, अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेंगे? अब एक काम करिए, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, ठीक है? अब आप मुझे मार दीजिए, मारिए ना चाची। चाची मुझे बहुत मजा है चाची, आई विल लव इट। चाची मारिए ना चाची, मुझे अच्छा लगेगा। आप मार दीजिए चाची, मारिए चाची, मजा आएगा, मारिए चाची। मिल गया तुझे जो चाहिए था, अब जा अपने कमरे में। तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? हाँ, हाथ कैसे उठाया तूने मुझ पे? टूट पटांग हरकतें करता है, उसके बाद दादागिरी दिखाता है। धैर्य सर, धैर्य सर, छोड़ियो ने। धैर्य, तूने संतोषी के साथ बदतमीजी कैसे? अंकुर, अंकुर छोड़ो इसे, छोड़ो। अंकुर, धैर्य को छोड़ दो। अंकुर छोड़ो, छोड़ो इसे। धैर्य सर छोड़ दीजिए ना, छोड़ दो अंकुर को, छोड़ दो, छोड़ो इसे। संतोषी तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं मैंने लगी। धैर्य क्यों उलझ रहे हो उसे बेटा? माँ जी, ये संतोषी के कारण हो रहा है। इस घर में सारे झगड़े इस संतोषी के कारण होते। संतोषी पे बेवजह इल्जाम मत लगाओ मधु, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आपको तो कभी संतोषी में कोई गलती नजर ही नहीं आती। एनीवेज अंकुर, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम अपने कमरे में जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। अंकुर हमने कहा कमरे में जाओ। अंकुर मधुभावी से कह रहा था कि वो धैर्य और संतोषी को चैन से जीने नहीं देगा। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट तो करता ही रहेगा। जो खुद एक प्रॉब्लम है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? और वैसे भी माँ बहुत हो गया प्लीज, अब इस लड़के को मैं इस घर में एक और दिन रहने नहीं दूँ। मैं अभी जाके निकाल दूंगा इसे बाहर, और अगर बीच में माँ भी आती तो उनको भी मैं कह दूंगा कि आप बाहर निकल जाइए साथ में।